एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? होप आप सब सेफ होंगे और अपने प्रैक्टिकल के जो सेशनल वर्क है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये वीडियो मैंने माइक्रो लेसन प्लान पर बनाई है, और माइक्रो लेसन प्लान वो भी कंप्यूटर साइंस के बनाए हैं। तो इस वीडियो में मैंने 6 स्किल्स को कवर किया है: इंट्रोडक्टरी स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, रीइन्फोर्समेंट स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल और ब्लैक बोर्ड स्किल। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल की। तो इंट्रोडक्शन स्किल में जो टीचर है वो अपने टॉपिक को बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर वो 4 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस नॉलेज के बेस पर होते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का पुट करता है जिससे कि बच्चा जो है उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री ना दे सके, ताकि टीचर जो है अपने टॉपिक को बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस कर सके। तो दूसरी तरफ ये कंपोनेंट्स हैं स्किल के, जो इनको आप इस कॉलम में लिखेंगे कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड किस कंपोनेंट का आपने यूज़ किया है। बीच में यहाँ टीचिंग एड लगाएंगे। कई बार क्या है, इस कॉपी में इस तरह के कॉलम नहीं होते हैं, तो आप अगर आपका टीचर कहता है तो आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा स्किल की अगर बात करें तो वो है क्वेश्चनिंग स्किल, जहाँ पर कि टीचर प्रश्न पूछता है, और ये कौशल जो है किसी भी टीचर के अंदर ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पढ़ाते वक्त इस स्किल का यूज़ करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को टीचर यहाँ पर पीपल टीचर लिखेगा और क्वेश्चंस को पूछेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल की। तो स्टिमुलस वेरिएशन, जिसमें कि टीचर जो है वो समय समय पर अपने शरीर के बॉडी मूवमेंट को करता है, कभी गेस्चर चेंज करता है अपना, या अपनी फोकसिंग करता है कहीं पर, कभी कभी बीच में वो पॉज करता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो उद्दीपन परिवर्तन या स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के हैं, जो कि टीचिंग के दौरान एक टीचर को करने पड़ते हैं। तो टीचर के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि उसे कहाँ पर किस कंपोनेंट का यूज़ करना है इस स्किल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं रीइन्फोर्समेंट स्किल, यानी पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल बहुत ही आवश्यक है क्लास में बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसके सही आंसर पर उसको शाबाशी देने के लिए, और अगर उसने गलत आंसर दिया है तो भी उसको नेगेटिवली वो उसको ऐसा ना बोले, ताकि बच्चा डिमोलराइज हो, उसको भी वो एक अच्छे शब्दों में बोल सकता है, जिससे कि बच्चे को आगे उसे मोटिवेट हो कि मेरी अगर गलती भी है तो मैं उसको सही कर सकूं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों तरह के रीइन्फोर्समेंट होते हैं, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट एंड पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। तो ये दोनों ही उसको टीचर को यूज़ करने हैं। तो जो वर्ड्स उसने रीइन्फोर्स वर्ड यूज़ किए हैं उसको वो ब्रैकेट में लिखेगा और इस तरह से कंपोनेंट यूज़ करेगा। इसके बाद बात आती है इलस्ट्रेशन स्किल की, दृष्टांत कौशल। तो एक टीचिंग के दौरान टीचर को उदाहरण के द्वारा ही पढ़ाना पड़ता है, कहीं कहीं उसे उदाहरण के द्वारा बच्चे को समझाना पड़ता है। तो यही स्किल है वो इलस्ट्रेशन स्किल, जिसमें कि उदाहरण देके बच्चे को टॉपिक का क्लियर कराया जाता है, या अपनी एक्सप्लेनेशन को टीचर आगे बढ़ाता है। देन इसके बाद करते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल, जो कि इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी है, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसा लेटर का साइज़ होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये एक टीचर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है उसे लिखता है, और इस तरह से यहाँ पर जो है ये स्किल के कंपोनेंट हैं कि क्लैरिटी इन राइटिंग है या नहीं है, ग्रामेटिकली आपने उस पर करेक्ट लिखा है या कैसा लिखा है, और ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा है, जो गैप है अक्षरों के बीच में, जो शब्दों के बीच में या पंक्तियों के बीच में गैप प्रॉपर है या नहीं है, या कहाँ पर उसे एक तरह से डायग्राम बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक टीचर को आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने इसमें 6 स्किल्स को कवर किया है, लेकिन आप इनके अलावा भी आपके कॉलेज में अगर आपको जो कॉपियाँ या आपने सेशनल वर्क की फाइल्स खरीदी हैं या मार्केट से ली हैं, उसमें जो भी प्रिंटेड हैं स्किल्स वो बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन स्किल भी ऐड हो सकता है,
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या कॉलेज में है उसमें किन स्किल्स को इसमें कवर कराया गया है। तो बीएड फर्स्ट ईयर में ये माइक्रो लेसन प्लान बनाना ज़रूरी है। तो आई होप इससे आपको कुछ आइडिया होगा और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान को बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।